1760 में आज के दिन मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा किया। 1778 में आज के दिन पर्शिया ने अर्जेंटीना के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1819 में आज के दिन अमेरिका ने पहला बचत बैंक बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू किया। 1876 में आज के दिन मॉन्टेनेग्रो ने तुर्की से युद्ध की घोषणा की। 1886 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार बना। 1886 में आज के दिन जर्मनी के कार्ल बेंच ने पहला ऑटोमोबाइल ड्राइव किया। 1897 में आज के दिन इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया। 1928 में आज के दिन लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। 1934 में आज के दिन बैंक ऑफ कनाडा अधिनियम कनाडा में पारित किया गया। 1962 में आज के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की आजादी की घोषणा की। 1979 में आज के दिन दूसरे हावड़ा ब्रिज नाम से कोलकाता में मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण शुरू किया गया। 1992 में आज के दिन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ। 1999 में आज के दिन कुवैत में 50 सदस्यीय संसद का चुनाव संपन्न हुआ। 2004 में आज के दिन रूस की मारिया शारापोवा महिला विंबलडन विजेता बनी। 2005 में आज के दिन महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन का मिश्रित जोड़ी का खिताब जीता। 2006 में आज के दिन कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की। 2008 में आज के दिन न्यूयॉर्क में दलितों का सम्मेलन शुरू हुआ। 2013 में आज के दिन मिस्र की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट किया।